कैसे हो? अच्छे। ओके, तो मुझे बताओ आप लोग ईद में क्या क्या करते हो? नहाते हैं, कपड़े नए कपड़े, छोटी रखते हैं और शीरखुरमा पीते हैं। अरे घर शीरखुरमा पीते हैं हम लोग, और ईद देते हैं आपके बड़े, है ना? और मेकअप करते हो आप, है ना? और चूड़ी भी पहनते हो, नए नए कपड़े लेते हो ईद के लिए, और मेहंदी भी लगाते हो, है ना? मेहंदी लगाते ना, एक दिन दो दिन पहले से हम मेहंदी लगाने लगते हैं। आप लोग भी लगाते हो ना, है ना? और आपके अब्बू तैयार होते हैं, आपके अब्बू नमाज के लिए जाते हैं, आप लोग घर में नमाज पढ़ते हो, है ना? सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, और घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, जैसे कि शीरखुरमा। और क्या क्या बनता है आपके घरों में? बिरयानी, कोई कोई गुलगुले भी बनाते हैं, बनते हैं, है ना? और पूरी भी मिलती है आपको, है ना? पूरी बनती है, खीर बनती है किसी किसी घर में, ना? तो ये सब चीजें बनाई जाती है ना ईद में अपने घर में, मजा आता है ना? हर जगह सब खुशी का माहौल होता है, है ना? और दिवाली में क्या क्या होता है पता आपको? दिवाली में आपको कैसे पता? आप लोगों को कैसे पता? यस, आपको आपके दोस्त होंगे, है ना, जो दिवाली मनाते हैं, तो उनके घर पे आप कभी गए होंगे। क्या क्या करते हैं? और क्या करते हैं उनके घर में? ढेर सारे अलग अलग फटाके होते हैं, फुलझड़ी, फिर और क्या क्या होता है? हाँ, और रेड वाला बॉम्ब होता है ना? तो वो लोग क्या करते हैं और घर में क्या क्या बनता है? वो लोग भी नए नए कपड़े पहनते हैं ना? और दिया भी होता है उनके घर में लगा हुआ, दिया लगाते हैं। और आकाश कंदील पता है? आकाश कंदील भी उनके दरवाजे पर लगा होता है ना? और उन लोग के घर में खाने को क्या क्या होता है? बिरयानी भी होती होगी, बिरयानी। लेकिन और स्पेशल जैसे हमारे घर में ईद में ईद में हमारे घर में क्या होता है? शीरखुरमा। दिवाली में क्या क्या बनाते हैं वो लोग? करंजी, चकली, चूड़ा, बेसन के लड्डू वो लोग बनाते हैं ना? अलग अलग इसके चकली बनाते हैं वो लोग, करंजी बनाते हैं, चकली, चूड़ा और बेसन के लड्डू बनते हैं। और क्या क्या दिए होते हैं उनके उधर? और थाने में क्या क्या बनता है उनका कुछ याद है, कुछ पता है? आप लोग कभी गए हो कोई फ्रेंड के घर पे, जिसके घर पे दिवाली सेलिब्रेट हो रही हो, आप लोग गए हो? नहीं गए हो, लेकिन आपको सब पता है ना कि फटाके वो लोग चलाते हैं दिवाली में, है ना? दिए, जैसे हमारी ईद बड़ी होती है वैसे उन लोग दिवाली उनके लिए ईद होती है ना? जैसे हमारे लिए ईद उनके लिए उनकी दिवाली होती है, अपने लिए ईद, है ना, हमारी ईद होती है कि नहीं? वैसे ही उनकी दिवाली होती है, दिवाली इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इतने सारे सारे उनके पास बेसन के लड्डू, फिर करंजी, फिर अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ होती है, फिर वो भी होती है सोन पापड़ी, है ना? हाँ, फुलझड़ी, ये सब होता है ना? तो आपको पता है ना ईद और दिवाली में हम क्या करते हैं, है ना? तो हमने हमारे सबक में यही पढ़ा है ना, दोस्ती सबक में, ठीक है? वेरी गुड, शुक्रिया।